Hello dear students, today we will learn about the percentage. The meaning percent is a short form of Latin word per centum, and the meaning of this is out of 100. जब हम किसी चीज की बात करते हैं आउट ऑफ 100 तो उसे हम परसेंटेज का नाम दे देते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वर्ड की परसेंट, तो बच्चों जे सेंट जो होता है इसका मतलब 100 होता है और पर का मतलब होता है अपॉन। तो अगर हम बोले परसेंट मतलब अपॉन 100, जैसे हम बात करते हैं कि मेरे मार्क्स 80% आए, 80% मार्क्स का मतलब क्या है कि 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज। परसेंटेज इज अ सिंपली फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर एंड डिनोटेड बाय अ सिंबल लाइक दिस, ऐसे सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3 और उसके पीछे ये नंबर लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया 3%। ओके, तो 3% का मतलब क्या है कि 3 और इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो 3/100 को हम क्या बोलेंगे 3%। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 100 है तो उसके न्यूमरेटर को हम उतने परसेंट बोल देंगे, सिंपल सी बात। ओके, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट फॉर्म इट्स कॉल्ड परसेंटेज। अगर हम नंबर को परसेंट फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखें, तो इसे क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोल देंगे हम। ओके, तो इस वीडियो में हमने अभी जाना है कि मीनिंग क्या होता है परसेंटेज का। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे कन्वर्जन करवाते हैं हम फ्रैक्शन का परसेंटेज में, डेसिमल का परसेंटेज में, फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन में एंड परसेंटेज का डेसिमल में। फिर हम जानेंगे परसेंटेज एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे हम उनको उनके साथ डील करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में फिर हम जानेंगे। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द मीनिंग कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो प्यारे बच्चों अभी आप ध्यान दीजिएगा, हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन। मान लो हमारे पास 3/5 है, इस फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंट का मतलब क्या है, इसके दो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो इन द फर्स्ट मेथड कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100। आपको इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 बन जाना चाहिए। तो आप देखो इसके डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए आप इसको किस नंबर से इंटू करोगे, हमें इसको परसेंटेज में लिखना है। परसेंटेज मतलब अपॉन 100 डिनोमिनेटर चाहिए, तो बताओ 5 को किससे इंटू करोगे, तो वो है नंबर 20। ऐसे ही हम सेम ऊपर न्यूमिनेटर को भी करेंगे, अगर करते हैं तो न्यूमिनेटर में 60 आ जाता है। देखो 60 के नीचे 100 आ गया, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 60%। अब इसे बोला जाएगा 60%। मैं आपको वापिस से रिपीट कर देता हूं, हमारा ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में हमने क्या जाना है कि हम फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये जो मैंने 60/100 लिखा है ये निकालेंगे और इसका डिनोमिनेटर 100 बनाएंगे। बस वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या है उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट तरीका था, फर्स्ट वे था। अब सेकंड, अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो, सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही मजेदार है, अगर कोई भी फ्रैक्शन हो 3/5 इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से इंटू करवा दो आप, जिसका मतलब क्या है कि आपको इनको जो सिंबल है परसेंटेज का वो लगा देना है डिनोमिनेटर से। अगर 100 को या न्यूमिनेटर को कट कर सकते हैं वो कर देना है, और इतना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 100 से 300 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर 5 आ गया, 5 6 30 होता है तो 6 लिखेंगे और साथ में लग जाएगी 0, तो ये 60% बन गया अब हमारा। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, जैसा आपने ऊपर देखा था 3/5 अगर हमारे पास फ्रैक्शन था तो 3/5 का जो आंसर था वो 60% आया। अगेन दूसरे मेथड से भी हमारा सेम आंसर आया 60%। ऐसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे,
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इस बार हम जो फ्रैक्शन है वो हम मिक्स्ड में ले लेते हैं। मिक्स्ड होगा तो काम भी मिक्स्ड हो जाएगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फ्रैक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे। मान लो अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लूं 1 and 2/3, इसे इस फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए सेम डिनोमिनेटर लिखेंगे, 3 को 1 से इंटू, 3 1s are 3 और ऊपर न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। 3 1s are 3 + 2 5 हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना था तो 5/3 को इंटू कर देंगे हम 100 से और साथ में परसेंटेज साइन लगा देंगे। ओके, तो इतना करने के लिए हमने इसको इंटू करवाया सबसे पहले 100 के साथ। 5 × 100 500 होता है, डिवाइड करवाएंगे 3 के साथ, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो 500 डिवाइड बाय 3 करते हैं, 3 1s are 3, माइनस करने पे आ गया 2, 0 नीचे उतारा, 6 3s are 18। फिर इसके बाद फिर से आगे सॉल्व किया इसे, ये आ गया 2 अगेन, अब नीचे उतारा तो ये आ गया 0, फिर से आया 6 और फिर आ गया 20 और माइनस करने पे आ गया 2, यहाँ पे आया 18, 18 में से 20 में से 18 माइनस करने पे आया 2। बार बार रिपीट हो रहा है, देखो हमारे नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गए। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। 166 क्वेश्चन है, डिवीजर हमारा 3 है और रिमाइंडर हमारा 2 है। ये लिखने के बाद अब हम इसके साथ परसेंटेज साइन लगा देंगे। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हमें कन्वर्ट करना था मिक्स फ्रैक्शन को। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हमने सिर्फ आसान से दो तीन स्टेप फॉलो किए हैं। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। करने के बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100% करना होगा। इंटू 100 किया तो ये 500 बना और डिवाइड करवा के हमारा ये आंसर आया। आंसर अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हुआ हो तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके साथ में सिंबल लगा देना परसेंटेज का। ये काम आप सबको करना है, इतना इजी रहेगा इसको कन्वर्ट करना। मैं कोई एक और होल नंबर ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास होल नंबर जो है वो 3 है, 3 है और 3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों 3 को कन्वर्ट करने के लिए, होल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए इंटू करवाना है 100 से और साथ में लगाना है परसेंटेज। तो ये कितना हो गया, 300% हो गया, 300%। ओके, ये आंसर आ जाएगा इसका। मतलब अगर फ्रैक्शन है, मैंने आपको अभी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना बताया। फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन हो वो देखा हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो वो भी देखा हमने, और फ्रैक्शन के अलावा अगर हमारे पास होल नंबर हो तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने दो तरीके बताए हैं आपको। पहला कि इंटू करवा दो आप किसी भी फ्रैक्शन के साथ इक्विवेलेंट बना के, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। और सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड में आपको इंटू करवा देना 100% से, तब भी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आपको दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगे, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डेसिमल जो है उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो हमारे पास कोई डेसिमल है, सेकंड टॉपिक है हमारा, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। अब मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेसिमल ले लेता हूँ 0.55। ओके, इसे हम 0.55 पढ़ेंगे, 55 नहीं बोलते। पॉइंट के पीछे के जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनको एक साथ नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो अभी हमें इसे कन्वर्ट करना था, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.55 लिखेंगे, नंबर को इंटू कर देंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100% तो करना ही होगा, कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करवा दो, हमारा आंसर आ गया। ओके, बट अगर आपको याद हो तो हम डेसिमल को कन्वर्ट हटा सकते हैं। तो डेसिमल यहाँ पे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे। यहाँ डेसिमल के पीछे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो डेसिमल है वो हट चुका है। अब देखो डिनोमिनेटर में 100, न्यूमिनेटर में 100, इंटू में थे तो कट सकते हैं, काट दिया हमने। और ये हटाने के बाद हमारे पास जो बचा वो बचा 55%। मतलब कि अगर 0.55 था
तो उसे जब हमने कन्वर्ट किया तो वो हो गया 55%। ऐसे हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ही आसान है। वापिस से एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको अगर नहीं समझाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू इन दैट। ओके, तो नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट मान लो हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो है 7.5। अब 7.5 को कैसे कन्वर्ट करना है, इनटू 100% ही तो करना है हमें बस। खाली ये हो गया कन्वर्ट, तो 100 से इनटू करना है। यहाँ पे देखो 7.5 है, तो पहले तो नंबर लिखो, डेसिमल को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शनल फॉर्म में। डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए नंबर लिखेंगे और उसके नीचे वन लगाएंगे, वन के पीछे उतनी जीरो लगाएंगे जितने डेसिमल के पीछे डिजिट है, डेसिमल प्लेसेस जितने हैं। तो यहाँ पे एक ही प्लेस था तो सिर्फ 10 लगेगा, मतलब जीरो लग जाएगा साथ में, और इनटू करवा देंगे अभी हम 100 से, और साथ में आएगा परसेंटेज साइन। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब ऊपर आया हमारे पास 75 इनटू 10 और नीचे आया वन, वन को इग्नोर कर सकते हैं, तो इनको इनटू कर देंगे, ये हो जाएगा 750, मतलब 750% हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ऐसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो पॉइंट था, पॉइंट हटाया, 10 आया नीचे, 10 से 100 को काटा, 10 रह गया, 10 के टेबल पे 100 10 टाइम्स आता है, तो 10 को 75 से इंटू किया, 750% बन गया। ऐसे हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। ये तो हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज में, ठीक है, हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में भी, होल नंबर को भी हमने कन्वर्ट किया है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन तीनों को ही हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन परसेंटेज में ही जो है नंबर दे रखा हो तो हम उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आप किसी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में बोला हो कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, सेल लगी हुई है, आपको 15% जो है वो आपको सेल में मिल रहा है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपको कितना जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम क्या है, 15% को चेंज करेंगे हम फ्रैक्शन में। ओके, तो 15% को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो अब अगर आपका परसेंटेज साइन लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हटाने के लिए आपको परसेंट कर देना है, पर मतलब अपॉन, सेंट मतलब 100, परसेंट को हटाने के लिए आपको परसेंट करना है। आप आई होप कि मेरी बात समझ रहे हो। परसेंट क्या है, यहाँ पे एक सिंबल है, यहाँ पे ये सिंबल को क्या बोलते हैं, परसेंट, और परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, तो इस सिंबल को हटाने के लिए अपॉन 100 कर देना आप, और इसे अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो वो डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा। दोनों फॉर्म में आप कर सकते हैं। देखो ये दोनों 5 के मल्टीपल है, ये 5 के टेबल पे 3 बार आता है और ये आता है 20 बार, तो अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो इसकी जो कन्वर्जन है वो 3/5 हो गई, 3/20 हो गई, ये हो गई इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर हम इसे कन्वर्ट ना करते तो ये 15/100 है, इसे डेसिमल में भी लिखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के वन के पीछे 2 जीरोज हैं, तो 1 2 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा के हम इसे 0.15 डेसिमल में भी लिख सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि जब हम 3 को 20 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा इतना आंसर आएगा, तो वो भी सेम ही है, हम इनको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा होगा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन, ऐसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में भी हमने करके देख लिया, दोनों हमने अभी जस्ट किए हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इन्हीं के बेस्ड होंगे, बहुत आसान रहेंगे क्वेश्चंस भी। एक आध और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास मान लो अगर हमें दे रखा हो 12%, और इस परसेंट को हमें कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं, दोनों में ही कन्वर्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि इस परसेंट को हटाने के लिए आपको परसेंट करना है, ठीक है, परसेंट मतलब अपॉन 100 करना है। अगर आप इसको रिड्यूस कर दोगे 12/100 को, तो वो इसकी फॉर्म हो जाएगी जो फ्रैक्शनल फॉर्म में, रिड्यूस कर दो 12/100, ये 6, ये 2 के टेबल पे 6 बार आ रहा है, ये
टू के टेबल पे 50 बार आ रहा है, फिर से किया 2 के टेबल पे 3 बार और 2 के टेबल पे 25 बार आ रहा है। तो ये इसको रिड्यूस करने पे 3/25 आंसर आ गया, ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म होगी। और डेसिमल में करने के लिए हमें क्या करना था, हमें खाली ये जो ब्लू नंबर है पहले तो इसको एज इट इज लिखना था, फिर इसके बाद अगर 100 है तो दो डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, पीछे से एक्सट्रीम राइट से लगाते हुए आना है, तो अगर 3 डिजिट है तो 3 बार पॉइंट लगाना है। तो ये जो है 12% को डेसिमल फॉर्म एंड फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पे ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। बच्चों आपको इनको प्रैक्टिस करना होगा, आप भूल मत जाना, बहुत इजी है इनको कन्वर्ट करना। अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क।